आज दोस्तों आपको हम बता रहे हैं H560 या CVC5 पार्ट मशीन है, CVC5 पार्ट मशीन को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे और कैसे टेस्ट करेंगे। तो आज हम H560 ये एडवाक कंपनी का 5 पार्ट मशीन है, आज मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। आपको आज मैं बताऊँगा कि इसको ऑन कैसे करेंगे। अभी मैं इसको ऑन करूँगा। और ये मशीन के देखिए, मशीन ऑन हो गया। मशीन ऑन हो गया और मशीन पासवर्ड, ये मशीन में पासवर्ड लगा होता है, इसका पासवर्ड डालना पड़ता है। मशीन में पासवर्ड जो लगा हुआ है उसका पासवर्ड अभी डालेंगे, उसके बाद मशीन ऑन होगा। ऑन होने के बाद इसमें आपको बताएंगे टेस्ट कैसे करेंगे। देखिए अभी मशीन ऑन हो रहा है। अभी ये मशीन में देखिए अभी हम पासवर्ड डालेंगे। यूजर नेम क्या है इसका, यूजर नेम एडमिन है। पासवर्ड क्या है इसका, पासवर्ड भी एडमिन है। अब ये मशीन ऑन हो गया, मशीन ऑन हो गया। अब इसमें टेस्ट हमको करना है। इसको ऑन होने में अभी समय लगेगा कुछ देर। अभी ऑन हो गया, ये मशीन ऑन होते समय ये क्लीनिंग करेगा, इसमें कुछ टाइम लगता है, अभी कुछ टाइम लगेगा 5-10 मिनट, उसके बाद ऑन हो जाएगा मशीन पूरा। ये क्लीनिंग करेगा, उसके बाद सैंपल पिलाएंगे। सैंपल पिलाना है हमको। यहाँ पे देखिए सब ऑप्शन दिया हुआ, जो भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेशेंट एंट्री। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पेशेंट एंट्री लिखा हुआ है। पेशेंट एंट्री में जाएंगे, इसमें जाके हम ये इसको ऑन करेंगे। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है, उसमें पेशेंट का नाम डालेंगे, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी इसमें ऑप्शन आता है सब कुछ डालेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद सैंपल को हम पिलाएंगे, उसके बाद इसमें रिपोर्ट आएगा। अभी तो ये मशीन ऑन हुआ, ये अपना प्रोसेस ही अपना कर रहा है, क्लीनिंग हो रहा है। और इसे पेंटी में जाएंगे और ये इंटीरियर, अभी ये मशीन की ऑन हो गया और मशीन क्लीनिंग भी हो गया। क्लीनिंग हो गया, अब देखिए, अब क्लीनिंग होने के बाद स्क्रीन पे ऐसा आ जाएगा, जैसे हीमोग्लोबिन 0-0 आ जाएगा, H2O 0-0, प्लेटलेट 0-0 आ गया। ये आ गया मतलब मेरा मशीन क्लीनिंग हो गया, कि हम कन्फर्म करेंगे क्लीनिंग हो गया। अब हम ये सैंपल के लिए प्रोसीजर प्रिंट में जाएंगे, पेशेंट का नाम ये डालेंगे, देखिए फर्स्ट नेम पेशेंट का नाम, पेशेंट का नाम जैसे कि लक्ष्मी देवी है, हम डालेंगे लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी देवी हो गया। लास्ट नेम है, पेशेंट टाइप है, इंडिपेंडेंट है, पेशेंट आईडी है। पेशेंट आईडी क्या है, फर्स्ट और पिलर है, एक नंबर है, एक नंबर आईडी डालेंगे। जेंडर क्या है डालेंगे, फीमेल डालेंगे। एज क्या है इसमें, एज डालेंगे, एज है 29 डालेंगे। इसमें बहुत सारा ऑप्शन आता है, सैंपल टाइप डॉक्यूमेंट से भी उतना डालने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद इसको हम ओके करेंगे। ओके कर दिए, अब इसको हम सैंपल की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो भी आवाज़ है, जब तक आवाज़ आए नहीं तब तक यहाँ से सैंपल को नहीं हटाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, ये आवाज़ आए नहीं, सैंपल ये डाले और निकालिए। इसके कारण क्या होता है कि रिपोर्ट, जैसे कभी WBC अगर है, कुछ भी रिपोर्ट है देगा कुछ, कभी हीमोग्लोबिन कम आ जाएगा, कभी WBC ज़्यादा आ जाएगा, कभी प्लेटलेट कम आ जाएगा, कभी ज़्यादा, कुछ भी मतलब गलत रिपोर्ट दे देगा। आपको पता नहीं चलेगा उस समय कि ये गलत है ये क्या है। जब तक ये आवाज़ मशीन आवे नहीं तब उस सैंपल को हटाइएगा नहीं। ये सब चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, नहीं तो ये उल्टा पुल्टा रिपोर्ट आ जाता है इस सब के कारण। हमेशा ये सब चीज़ को आप ध्यान से देखिए। अभी देखिए, अभी ये मशीन अपना काम कर रहा है, अभी ये रिपोर्ट देगा, देखते रहिए। अब देखिए ये रिपोर्ट आ गया है, ये रिपोर्ट आ गया है, WBC आ गया, न्यूट्रोफिल जो भी है सब रिपोर्ट आ गया। हम अब आ गया, इसको हम प्रिंट करेंगे। यहाँ से मारेंगे, देखिए प्रिंट, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट मारेंगे। और ये देखिए प्रिंट मारेंगे, ये बगल में प्रिंटर है, प्रिंटर से उसका ये आ जाएगा, प्रिंट आउट हो जाएगा। ये अब ये देखिए ये प्रिंट हो गया, ये 5 पार्ट का रिपोर्ट है। इसमें देखिए WBC, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसोफिल, बेसोफिल, ये 32 पैरामीटर होता है। ये 5 पार्ट में 32 पैरामीटर होता है और 3 पार्ट में 22 पैरामीटर होता है।
फाइव पार्ट और थ्री पार्ट में बहुत सारा अंतर होता है, रिपोर्टिंग का भी फर्क पड़ता है। जैसे फाइव पार्ट में जो डीसी है ना, डीसी के एग्जैक्ट रिपोर्ट आता है, जैसे कि हम ये स्लाइड बनाते हैं। थ्री पार्ट में जो भी सीवीसी जिसका करते हैं स्लाइड बनाते हैं, ये फाइव पार्ट में क्या स्लाइड नहीं बनाएंगे तभी चलेगा, क्योंकि फाइव पार्ट एग्जैक्ट रिपोर्ट देता है डीसी का रिपोर्ट। और कैसे हम पता करेंगे क्या ये डीसी का रिपोर्ट मेरा सही है या नहीं है, ये न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसोफिल, बेसोफिल, ये टोटल को जोड़ के काउंट करेंगे। काउंट करेंगे तो हमको 100 फुट जाना चाहिए, 100 फुट गया तो मेरा एग्जैक्ट रिपोर्ट है। बहुत सारा तरीका है इसको चेक करने का कि ये सही है या गलत है, बहुत सारा इसका है। और ये फाइव पार्ट है, फाइव पार्ट में क्या है, फाइव पार्ट में अलग से प्रिंटर आता है, बहुत सारा मशीन है जिसमें मशीन के साथ में ऑप्शन आता है यहाँ पर प्रिंट करने का, यहाँ से प्रिंट कीजिए और यहाँ से निकल जाता है। इसके लिए इस फाइव पार्ट में अलग से प्रिंटर है, जो अभी आप देखे हैं प्रिंट हम लोग किए हैं ये अलग से, फाइव पार्ट के लिए यहाँ अलग से प्रिंटर है। थ्री पार्ट में क्या होता है, साथ में ही आता है, मगर फाइव पार्ट में कुछ ही कंपनी है जो साथ में ही बनाती है प्रिंट के लिए ऑप्शन, यही सब है। और देखिए ये 32 पैरामीटर देती है, सबसे बात है कि 32 पैरामीटर ये फाइव पार्ट में, फाइव पार्ट का रिपोर्ट जो होता है एग्जैक्ट आता है, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट होता है। और फाइव पार्ट पे हमें विश्वास है, कभी भी ले तो थोड़ा कॉस्टली तो आता है, मगर फाइव पार्ट का मशीन ही लें, क्योंकि फाइव पार्ट में जो है डीसी का रिपोर्ट बहुत एग्जैक्ट है, हर चीज़ रिपोर्ट एग्जैक्ट आता है, बहुत अच्छा आता है, बट डीसी में भी कोई टेंशन नहीं। जैसे कि डीसी थ्री पार्ट में डीसी ऐसे नहीं देता, जैसे इसमें देख रहे हैं ना आप 73.6 22.7 वो एक मिला के ऐसे दे देता है, फिर हम कुछ अपना मिला के उसको, जैसे स्नोफिल, ये स्नोफिल, बेसोफिल, ये लोग हमको अपने मन से ये करके उसको 100 पुराना रहता है उसमें। और फाइव पार्ट में क्या है, मशीन ही काउंट करके अलग अलग दे देता है, आप देख रहे होइएगा 73.6 22.7 2.5 स्नोफिल 1.1 पूरे ये पॉइंट पॉइंट निकाल के दे देता है ये फाइव पार्ट। ये बहुत ही अच्छा यह है फाइव पार्ट के लिए, और हमें मेहनत नहीं करनी पड़ता, नहीं तो जब जितना भी हम सीवीसी करेंगे उतना स्लाइड बनाना पड़ेगा, बहुत उसमें मेहनत हो जाता है, स्लाइड बनाना पड़ता है और बहुत सारा स्लाइड देखना पड़ता है। फाइव पार्ट लेने का यही फ़ायदा है कि ये स्लाइड का उतना टेंशन नहीं रहता है, कुछ कुछ ऐसा केस है उसमें आपको स्लाइड बनाना पड़ता है, हर केस में स्लाइड नहीं बनाना पड़ता है। जैसे कि अभी हम टेस्ट कर लिए जो ये लक्ष्मी देवी का, अगर हमको कल जैसे कल का रिपोर्ट निकालना है, कल का रिपोर्ट किसी का हम सीवीसी किए हैं और प्रिंट नहीं मार पाए, भूल गए हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है प्रीव्यू, यहाँ से बैक करेंगे, कल का हो गया, कल का हम फिर प्रिंट मार सकते हैं। जैसे कि ठीक है, हम आज किए हैं, आज अभी कर रहे हैं इसका, अभी इसका कर रहे हैं, फिर अभी आगे करेंगे, अगर वो कहीं भूल के प्रिंट मारना तो उसके लिए हम ये नेक्स्ट करके प्रिंट मार सकते हैं। बैक देखना है तो बैक जाके यहाँ से हम प्रिंट मार सकते हैं। फिर अभी हमको एक और सैंपल पिलाना है, एक और सैंपल को आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे इसमें पिलाना है।